हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है और इसका यूज कैसे करना है, आइए जानते हैं सिर्फ एक मिनट में। तो अभी आपको स्क्रीन पे ये जो कैंडल दिखाई दे रही है ये एक हैमर कैंडल है। ये हैमर कैंडल इसलिए है क्योंकि इसकी जो ये लोअर विक है ना, ये जो लोअर विक है ये बहुत लंबी है, इसकी जो बॉडी है वो बहुत छोटी है और इसके ऊपर कोई भी विक नहीं है। अगर एक छोटी सी विक यहाँ पे भी होती तब भी ये हैमर कैंडल ही होती, और अगर ये ग्रीन की जगह रेड कलर की होती तब भी ये हैमर कैंडल ही होती। अब जब भी चार्ट डाउन ट्रेंड में होता है और उसके बाद इस तरीके की एक हैमर कैंडल बनती है तो ये माना जाता है कि यहाँ से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, जैसा कि इस केस में हो रहा है। और ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो कैंडल है हैमर कैंडल, ये शो करती है कि जो बायर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हो चुके हैं, यानी शेयर के ऊपर बाइंग प्रेशर है। तो जब ज्यादा बायर्स होंगे तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसलिए जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स को भी साथ में देखना चाहिए।